Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वैसे तो तीन जगह चुनाव हो रहा है, एक लोकसभा सीट है तो दो विधानसभा सीट है, लेकिन लोकसभा सीट मैनपुरी को लेकर काफी ज्यादा जोरों से चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव जो है वहां के सांसद थे और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और वहां पर उपचुनाव हो रहा है जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। और इन दोनों के बीच जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा रोमांचक माना जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद अखिलेश यादव का चाचा के साथ संबंध जो है वो काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग अलग जो है वो कहीं ना कहीं रह रहे थे, और अब एक साथ ये जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिल गई है। और डिंपल यादव यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी को जिताने के लिए शिवपाल सिंह यादव पूरा जी जान लगा दिए हैं और तमाम तरीके की स्पीच और भाषण से लोगों को प्रभावित भी करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव को लेकर शिवपाल यादव ने ऐसी बात कह दी है जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से हो रही है, और खास करके समाजवादी पार्टी के समर्थकों के लिए एक नया नाम मिल गया है। दरअसल बात करें तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर जसवंत नगर विधानसभा के ताखा ब्लॉक में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अमीरों से खाली हुए लाल वाले सिलेंडर गरीबों को भेज दिए हैं, अब गरीबों ने भी घर में रखे सिलेंडर को किनारे रख दिया है और लोग उस पर बैठकर खाना खा रहे हैं। शिवपाल ने अखिलेश को छोटा नेताजी की उपाधि दे डाली है। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के छोटे नेताजी के खिताब से नवाजा और कहा कि हम चाहते हैं कि लोग अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहे और उन्हें छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिष्य होने के बावजूद भी उसने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग 60% से अधिक मतदान न होने देने का दबाव बना रहे हैं, जो सीधे तौर पर प्रजातंत्र पर हमला है। जनसभा में डिंपल यादव भी पहुंची थी। इस अवसर पर जनता दल के महासचिव के सी त्यागी भी मौजूद रहे। ताका ब्लॉक प्रमुख ध्रुव यादव, चीनी अखिलेश, शिवपाल, डिंपल यादव को माला पहनाकर वो गद्दा भेंट कर स्वागत किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बड़े नेताजी एक नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव थे, तो अखिलेश यादव छोटे नेता के तौर पर कितनी बड़ी मुकाम स्थापित कर पाते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।